तो वहीं आपको बता दें कि चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी और राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बीच गठबंधन को बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। फरीदाबाद में समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मेघराज ने इसकी घोषणा की। सियासत में हर काम किसी लक्ष्य के लिए किया जाता है, लेकिन जब लक्ष्य ना मिले तो सियासी रिश्ते भी खत्म कर दिए जाते हैं, या यूं कहें कि सियासत में हर जोड़ तोड़ सियासी फायदे के लिए किए जाते हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा की सियासत का सबसे नया गठबंधन एक हार भी नहीं झेल पाया और ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मोदी सुनामी ऐसी चली कि हाथी और ऑटो रिक्शा के रास्ते ही अलग अलग हो गए। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले अस्तित्व में आया LSP BSP गठबंधन टूट गया और अब इन दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले साथ साथ रहने की कस्में खाई जाती थी, यहाँ तक कि दूसरे गठबंधनों से खुद की तुलना भी की जाती थी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा और अति आत्मविश्वास इन दोनों पार्टियों को ले डूबा और किसी भी लोकसभा सीट पर दूसरा स्थान तो छोड़िए पांचवें स्थान पर भी टिक नहीं पाई। वहीं पूरे हरियाणा की बात करें तो 4% से भी कम वोट मिले, या यूं कहें कि हरियाणा की जनता इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को सिरे से नकार चुकी है। एक तरफ थी राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिसने BJP से नाता तोड़ खुद की नई पार्टी बनाई, लेकिन जिसे वो अपना गढ़ मान रहे थे वो वहां भी बुरी तरह से हारे। वो ये भूल चुके थे कि उनकी जीत नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से हुई। दरअसल बल्लभगढ़ में BSP की समीक्षा बैठक हुई जिसमें राजकुमार सैनी की पार्टी से गठबंधन टूटने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, गठबंधन तो तोड़ा राजकुमार सैनी पर बड़े आरोप भी लगाए। निश्चित तौर से ये गठबंधन हमारा केवल लोकसभा स्तर तक का था। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देश हमें मिला है कि लोकसभा स्तर तक ये गठबंधन था, लोकसभा का चुनाव हो गया है। हमने ये गठबंधन किया था फिर राजकुमार सैनी जी की पार्टी से कि बैकवर्ड समाज का वोट यहाँ पर इस प्रदेश में शायद मिल जाएगा उनके माध्यम से, लेकिन राजकुमार सैनी जी का ना तो संगठन है पूरे प्रदेश के अंदर और ना ही बैकवर्ड समाज में उनकी कोई पकड़ है और पूरा बैकवर्ड समाज का पूरा वोट भाजपा की ओर कन्वर्ट हो गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी बहुत जो हमारे कार्यकर्ता थे केवल वही मिल पाए, ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया हम लोग यहाँ पर। दूसरे राजकुमार सैनी जी को हम बीच बीच में जब हमारा गठबंधन हुआ जब हमने उनसे कहा था बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, यहाँ पर किसी जात के खिलाफ नहीं बोलना है हमें, लेकिन राजकुमार सैनी जी बीच बीच में पांच मुख्यमंत्रियों की बात करते रहे जो बहुजन समाज पार्टी उसको रोकने की कोशिश करती रही। मुझे लगता नहीं उनकी आदत में सुधार होगा, जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई राजकुमार सैनी जी BJP के लिए ही काम कर रहे थे। क्या मान के चले जो विधानसभा चुनाव होंगे पार्टी अकेली लड़ेगी? निश्चित तौर से हम 90 की 90 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव की तैयारी कर रही है और अकेले चुनाव लड़ने का काम किया। क्या कुछ संगठन में बदलाव की? हाँ, अभी हम लोग जो अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनका प्रमोशन होगा और जो पदाधिकारी रहते हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती उनको चेंज करने का काम किया जाए। जिस पार्टी या गठबंधन को लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4% वोट मिले हों उसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो ही जाते हैं। इन दोनों ही पार्टियों की ओर से BJP को टक्कर देने की बात कही जाती थी। राजकुमार सैनी भी बड़ी डींगे हाँकते थे। वहीं BSP ने भी अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। अब दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में ही दोनों पार्टियों का जनाधार नाम मात्र का हो तो विधानसभा में कितना वोट फीसदी ये बढ़ा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV।